होगी। 7% का डिस्काउंट और टीपीजी इनफैक्ट 7.62% अपना पूरा हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक कल एकदम शांत था पार्थिव। अब टीपीजी जैसे निवेशक जब आते हैं वो ऑफ कोर्स अच्छा खासा एग्जिट लेते हैं, लेकिन ये पूरा क्योंकि स्टेक बेच रहे हैं, क्या वो थोड़ा सा धक्का दे सकता है शेयर पर? आपकी क्या राय है कैंपस एक्टिववेयर पे? अर्षदा कंपनी बहुत बढ़िया है। मुझे याद है आईपीओ मीट में जब मिले थे तब नो डाउट दे हैड हाई एस्पिरेशंस, लेकिन अर्षदा दिक्कत वैल्यूएशंस की है। मतलब ट्रेड मल्टीपल पे 100 के पी पे। मैं जानता हूँ कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक है, ग्रोथ अच्छी रही है, मार्जिन्स भी रीजनेबली अच्छी रही है और अच्छा मार्केट शेयर भी कर रहे हैं टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में, लेकिन टीपीजी जैसी कंपनी आई थिंक द लेवल्स एट विच दे आर एग्जिटिंग, जो 350 की बात हो रही है और पूरी मलाई निकाल के जा रहा है, डेफिनेटली दे आर मिंटिंग मनी। और इतना पैसा तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे आईपीओज में या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं कमाता, तो उनके लिए तो बहुत ही रॉयल एग्जिट है। और ये डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर पुट करता है और मार्केट को ये भी इंडिकेट करता है कि अच्छी कंपनी हो भले, लेकिन वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इवन 20-30% डाउनसाइड आता है तो अभी वैल्यूएशन तो थोड़े प्राइसी लगेंगे। और ये फियर्सली कॉम्पिटेटिव स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कैंपस अकेला कोई मार्केट लीडर है कि उसको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करे, लेकिन ये एग्जिट दर्शाता है कि ऐसे काफी ओवर वैल्यूड पॉकेट से जो नए आईपीओ में आए हैं, तो इन्वेस्टर्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड हैव टू लुक एट वैल्यूएशन फॉर द लॉन्गर टर्म। लेकिन पार्थिव ये पूरा का पूरा स्पेस ही ऐसा चल रहा है। लुक एट बाटा, ह्यूज अंडर परफॉर्मर। आई थिंक 29 अक्टूबर 2021 को हाई लगा था 2238, नाउ इट्स 1416। लुक एट लिबर्टी, लुक एट कैंपस। तो अभी इस स्पेस को बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आप कंप्लीटली अवॉइड ट्रेजेक्टरी में रखेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है आई थिंक बाटा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। यहाँ पे वैल्यूएशंस भी कंफर्टिंग है, उन्होंने काफी स्टोर रैशनलाइजेशन की है, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक ब्रांड इक्विटी जो है वो भी काफी तगड़ी है। तो बाटा आई थिंक ऑन एनी डिक्लाइंस यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली अच्छा रहेगा, और जैसे रूरल मार्केट पिकअप होता है बाटा जैसी कंपनी ज्यादा अच्छा करेंगी। ओके, तो लेकिन ये कैंपस एक्टिववेयर के लिए ऑफकोर्स आज का सौदा एक सेटबैक रहेगा। इस पर टेक्निकल चेक बाद में लेंगे जो मार्केट खोलेगा, देखते किन लेवल्स पर इनफैक्ट वो एग्जिट होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 7% डिस्काउंट यानी कि 345 के आसपास वो सौदा होना तय है। आज देखते किस तरह की डिमांड आती है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर जब टीपीजी अपना हिस्सा बेच रहा है। लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट कल देर शाम निकल कर आया, एक्सेंचर। इसके नतीजे आए, याद रखिएगा ये दूसरा क्वार्टर है क्योंकि एक्सेंचर जैसी कंपनियां कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं, और इन्होंने दरअसल नंबर्स तो अच्छे डिलीवर किए लेकिन गाइडेंस घटाया है। एग्जैक्टली हुआ क्या है एक्सेंचर के साथ, सुमित हमारे साथ है बताने के लिए। सुमित बताइए, नतीजे तो अच्छे एक्सेंचर नंबर सच में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। कंपनी ने अपनी जो पुरानी